आज हम लोग एक नया क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसे कि नए तरीके से सेल्स रेशियो निकालना, इंटरेस्ट टू वेंडर्स का रेशियो निकालना, किस रेशियो पे हम लोग इंटरेस्ट टू वेंडर्स को पेमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सुधीर लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 2013। तो इनकॉर्पोरेट कब हुआ है सुधीर लिमिटेड? 1st August 2013 को इनकॉर्पोरेट हुआ है और 1st April 2013 को इसने बिजनेस को परचेज किया था। किससे परचेज किया था? सुशील लिमिटेड से बिजनेस को परचेज किया था ₹8 लाख। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। सुधीर लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 2013। फ्रॉम 1st April 2013 इट परचेज द बिजनेस ऑफ सुशील लिमिटेड फॉर ₹8 लाख, आउट ऑफ विच जिसमें से ही पेड ₹6,40,000 एज फुली पेड इक्विटी शेयर एंड बैलेंस वॉज पेड इन कैश। जिसमें से 6,40,000 उसने एज फुली पेड इक्विटी शेयर दे दिए एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसने कैश में दे दिया। कंपनी ऑल्सो इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 लाख, उसने इक्विटी शेयर्स भी इशू किए 6 लाख के फॉर कैश टू द पब्लिक। और उसने जो है स्टॉक 80,000 की, मशीनरी 6 लाख की और डेटर्स 50,000 के भी वेंडर कंपनी से यानी सुशील लिमिटेड से अक्वायर किए। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेजिंग कंपनी इंस्टॉल। परचेजिंग कंपनी यानी सुधीर लिमिटेड कंपनी इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2013-14। टोटल कैश सेल्स, देखिए यहाँ सेल्स दी हुई है कितनी, 20 लाख की। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, अब देखिए इसी से हम लोग सेल्स रेशो निकालेंगे। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर का जो सेल्स है वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लैटर हाफ ईयर, किस उसका आधा है। लैटर हाफ ईयर का जो सेल्स है वो फर्स्ट हाफ ईयर की जो सेल्स है वो लैटर हाफ ईयर के सेल्स की हाफ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया है। अभी तक हम लोग को क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 1,80,000। एक्सपेंसेस क्या क्या है? डायरेक्टर फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट टू वेंडर्स अप टू 31st August 2013 ₹4,000। You are required to prepare the profit prior and loss, profit and loss prior and post to incorporation। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग ने देखा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड है 1st August 2013। तो 1st August 2013 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी 1st April 2013 टू 31st July 2013, ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया। और ये कितना मंथ्स हो गया? 4 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 1st August 2013 टू 31st March, ईयर एंडिंग 31st March 2014, ये क्या हो गया? दिस इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये कितना मंथ्स हो गया? अगस्त से लेके मार्च तक, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने जो हैं वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के हो गए। अब हम लोग टाइम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम रेशियो हो जाएगा 4:8 यानी 1:2। तो हमारा टाइम रेशियो कितना निकला? 1:2 का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग निकालेंगे सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कैसे निकालते हैं? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेल्स पर मंथ ऑफ द फर्स्ट हाफ मंथ इज द सेल्स ऑफ द फर्स्ट हाफ मंथ इज हाफ ऑफ द लेटर ऑफ द हाफ मंथ, यानी पहले 6 महीने की जो सेल्स हैं वो हाफ हैं बाकी के 6 महीने की सेल्स की। ठीक है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च। तो
क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट सिक्स मंथ्स की जो सेल्स हैं पर मंथ की वो हाफ है नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के सेल्स की. तो ये अप्रैल में हाफ हो गई, मई में हाफ हो गई, जून में हाफ हो गई, जुलाई में हाफ हो गई, अगस्त में हाफ हो गई और सितंबर में. फर्स्ट सिक्स मंथ्स की सेल्स को हमने हाफ कर दिया. लास्ट के सिक्स मंथ्स की सेल क्या होंगी? वन होंगी, तभी फर्स्ट सिक्स मंथ्स की सेल्स हमारी हाफ हुई है. ठीक है, अब सेल्स रेशियो निकालना है. सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारा क्या था? 1 अप्रैल to 31 जुलाई, यानी यहां से लेके यहां तक हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है और यहां से लेके हमारा यहां तक का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है. इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, विल ऐड दिस, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2, 1, 1, 2. ठीक है, और अगस्त से लेके मार्च तक कितना हो जाएगा? विल ऐड दिस ऑल्सो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस 7. तो सेल्स रेशियो हमें मिल रहा है 2:7 का. ठीक है, सेल्स रेशियो क्या आया? 2:7. देखिए, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसमें सेल्स रेशियो, सेल्स और आपका टोटल सेल्स दिया रहता था, जिसमें से टोटल सेल्स में से कुछ आपका प्री का सेल्स दिया रहता था या पोस्ट का सेल्स दिया रहता था. कोई भी एक सेल्स दिया रहता था तो हम लोग प्री और पोस्ट की सेल्स निकाल के उसका रेशियो निकाल लेते थे. बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टोटल सेल्स जरूर दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन आपको ना तो प्री की सेल्स दी हुई है ना पोस्ट की सेल्स हुई है. तो इस तरीके से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सच थिंग्स विल बी एबल टू कैलकुलेट दी सेल्स रेशियो. ठीक है, एक रेशियो और हम लोग को निकालना है इसमें, विच इज इंटरेस्ट टू वेंडर्स. इसके लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट टू वेंडर्स पे भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्रायर पीरियड में अगर हम पूरा पूरा इंटरेस्ट वेंडर को नहीं देते हैं, पोस्ट पीरियड में देते हैं, तो उसका अलग से रेशियो निकलता है. यहाँ प्रायर पीरियड 4 मंथ्स का है जो कि 31 जुलाई को एंड हो जा रहा है, लेकिन पोस्ट पीरियड यानी 1 मंथ के पीरियड का अभी भी इंटरेस्ट हमारा ड्यू है जो कि हमें वेंडर को देना है. ठीक है, तो प्रायर पीरियड है आपका 4 मंथ्स का, ये आप देख रहे हैं. तो 4 मंथ्स यानी 31 जुलाई तक आपने पे कर दिया इनकॉर्पोरेशन तक, और इनकॉर्पोरेशन के बाद यानी 1 मंथ, 1 अगस्त to 31 अगस्त जो है आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट अभी और देना बाकी है. तो 4:1 ये आपका हो जाएगा वेंडर को इंटरेस्ट देने का रेशियो, यानी किस रेशियो पे आप वेंडर को इंटरेस्ट देंगे. ठीक है, तो हमने टाइम रेशियो निकाल लिया 1:2, सेल्स रेशियो निकाल लिया 2:7 एंड वेंडर को देने का इंटरेस्ट देने के लिए जो रेशियो हमने निकाला दैट इज 4:1. ठीक है, अब आगे हम लोग अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं. हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने एक्सपेंसेस को किस तरीके से एलोकेट करेंगे. उसके लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट बनाना होगा. आइए सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, विल ड्रॉ अ फॉर्मेट. स्टेटमेंट showing pre and post incorporation profit for the year ended at 31st March 2014. ठीक है, ये प्रोफॉर्मा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है. पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट, बेसिस ऑफ एलोकेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, ये फॉर्मेट है, आप लोग जानते हैं. सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. तो पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट. क्वेश्चन में आपके नेट प्रॉफिट दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दी हुई है. तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते थे? नेट प्रॉफिट हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं. नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारी नेट प्रॉफिट आती है. अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे. तो यहां हमने नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस को ऐड करना है. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा.
नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000। तो 1,80,000 में एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं। एक्सपेंसेस क्या है हमारे, डायरेक्टर फीस है 40,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 13,000, डेप्रिसिएशन 72,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000 और इंटरेस्ट टू वेंडर्स 4,000। इसको ऐड कर लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 4, 20, 2, 8, 2, 10, 14, 15, 16, 6, 2, 3,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारा 3,60,000 रुपीज। ठीक है, अब इस 3,60,000 रुपीज जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग किस रेशियो में एलोकेट करते हैं, टर्नओवर रेशियो में। और टर्नओवर का रेशियो हमने क्या कैलकुलेट किया था, 2:7। तो विल एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 2:7। एलोकेशन कैसे करेंगे, 3,60,000 इंटू 2/9 और 3,60,000 इंटू 7/9। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,480,000 आपका प्री में आ जाएगा और पोस्ट में आ जाएगा 2,80,000। ये देखिए, आपने प्री इनकॉर्पोरेशन का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 80,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ग्रॉस प्रॉफिट है 2,80,000। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेस करते हैं ताकि हमारा नेट प्रॉफिट अटेन हो सके। तो लेट्स डिडक्ट द एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। सबसे पहले एक्सपेंस है डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर फीस कितनी दी हुई है 40,000। डायरेक्टर फीस का कोई एलोकेशन नहीं होता, ये फुली चार्ज होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। तो यहां अब हम लोग लेस करेंगे एक्सपेंसेस को, विल लेस दी एक्सपेंसेस 40,000 पूरा पूरा, जिसका कोई एलोकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 15,000। ऑफिस एक्सपेंस फिक्स नेचर का एक्सपेंस है और जितने भी फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम एलोकेट करते हैं टाइम रेशियो में, और टाइम रेशियो हमने निकाला है 1:2 का। तो लेट्स एलोकेटेड 15,000 इंटू 1/3 और 15,000 इंटू 2/3, 3, 5, 5,000 ये हो गया और 10,000 यहाँ हो गया। ठीक है, ये जो भी मैं लिख रही हूँ आप लोग एक वर्किंग नोट बना के तब इसको लिखिएगा। नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी ऐसा एक्सपेंसेस जो फुली चार्ज होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, इसका कोई एलोकेशन नहीं होगा। कितना दिया हुआ है 13,000। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी फिक्स नेचर का एक्सपेंस है, राइट, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो फिक्स नेचर एक्सपेंस और इसको भी हम लोग टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग ही एलोकेट करेंगे। कितना दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 72,000, 1:2, तो 72,000 इंटू 1/3 और 72,000 इंटू 2/3, 24,000 प्री में चला गया और पोस्ट में कितना चला जाएगा 48,000। क्लियर है। नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस को हमें किस रेशियो में एलोकेट करना है, सेल्स के रेशियो में, यानी 2:7 में, राइट, इसको भी एलोकेट कर लेते हैं 36,000 इंटू 2/9 और 36,000 इंटू 7/9, 9, 4 = 36, 4, 2 = 8,000 एंड 28,000। सेलिंग एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट है हमारे इंटरेस्ट टू वेंडर्स, इंटरेस्ट टू वेंडर्स, इंटरेस्ट टू वेंडर्स कितना दिया हुआ है 4,000
और हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट वेंडर्स हम लोग को अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद देना होता है तो हमें उसका एक रेशियो निकालना होता है. हमने क्या रेशियो निकाला था, 4:1 का. तो 4000 इंटू 4/5 और 4000 इंटू 1/5, 5 8 40, 4 8 30, 200 प्री में चला जाएगा, 800 पोस्ट में चला जाएगा. ये सारे हमने एक्सपेंसेस जो हैं ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट करने हैं. और कोई एक्सपेंस तो दिख नहीं रहा है, तो अब चलिए एक्सपेंसेस को लेस करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट है 3,60,000, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट 1,80,000. दिस इज द नेट प्रॉफिट, ये टोटल नेट प्रॉफिट है. अब हमें ये देखना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन का जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में. और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में. तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कितना आ रहा है. ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, प्री इनकॉर्पोरेशन का ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है, उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस हमारे लेस हो जाएंगे. तो ये आपका लगभग आएगा 39,800, ठीक है. तो ये प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है. ये वाला प्रॉफिट आपका कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा. और यहां देखते हैं कितना आ रहा है, 2,80,000 में से 1,40,200 ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है. इस प्रॉफिट को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा. जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग को मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जिसमें इंटरेस्ट टू वेंडर्स कैसे निकाला जाता है, दिस इज अ क्वेश्चन. और इसमें सेल्स रेशियो को भी अलग तरीके से निकाल के बताया गया. थैंक यू सो मच.